नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। रविवार को एशिया कप 2022 का फाइनल खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका ने मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए, जिसमें भानुका राजपक्षे ने शानदार पारी खेली। वहीं डिफेंड करते हुए मधुसन और हसरंगा ने बढ़िया गेंदबाजी की। दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहले 9 ओवर तक पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इस फैसले को सही भी साबित किया। श्रीलंका का एक समय स्कोर 9 ओवर में 58 रन पर 5 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन इसके बाद मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे ने वानेदु हसरंगा के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर 58 रन की साझेदारी की। इसके बाद 15 ओवर में हसरंगा के आउट होने के बाद भानुका ने करुणा रत्ना के साथ मिलकर 54 रन की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 170 रन तक पहुंचाया। भानुका ने 45 गेंदों पर नाबाद 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद गेंदबाजी में श्रीलंका की तरफ से हसरंगा ने फिर से कमाल दिखाया और पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया। हसरंगा जब पारी का 17वां ओवर करने आए, तब क्रीज पर सेट बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे और हसरंगा ने उन्हें पहले ही गेंद पर कैच आउट कराया और इसके बाद उन्होंने आसिफ अली को बोल्ड किया, जो काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन हसरंगा के खिलाफ वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद हसरंगा ओवर की 5वीं गेंद पर खुशदिल शाह को भी आउट कर दिया और श्रीलंका की जीत लगभग इसी ओवर में तय कर दी थी। हसरंगा ने बल्ले से भी 21 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में भानुका और हसरंगा के अलावा एक और खिलाड़ी था जिसने श्रीलंका को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दाएं हाथ का तेज गेंदबाज प्रमोद मधुसन ने पारी की शुरुआत में ही 4th ओवर करने आए और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और फकर जमान को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। इसके बाद 14वें ओवर में जब मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद के बीच 71 रन की साझेदारी हो गई थी और श्रीलंका को फिर से विकेट की ज़रूरत थी, तब भी मधुसन ने इफ्तिकार अहमद को आउट कर श्रीलंका को सफलता दिलाई और नसीम शाह को आउट कर मैच में 4 विकेट लिए। तीनों खिलाड़ियों के फाइनल में शानदार प्रदर्शन से श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।